दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और फेमस फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडेवाला की गहरी दोस्ती के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब सलमान खान और साजिद नाडेवाला की 30 साल पुरानी दोस्ती में दरार आ चुकी है। बात यहां तक पहुंच गई है कि साजिद ने सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली पर पैसा लगाने से मना कर दिया है। 2 साल पहले इस फिल्म के ऐलान के साथ ही बताया गया था कि इस फिल्म को साजिद नाडेवाला प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि साजिद ने सलमान के साथ इस फिल्म पर काम करने से मना कर दिया है। दरअसल बागी 3, तड़प और बच्चन पांडे जैसी कमर्शियल फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद साजिद ने महसूस किया कि उन्हें कभी ईद कभी दिवाली पर अच्छे से विचार करने की जरूरत है। वो फिल्म की स्क्रिप्ट और उसके बजट पर दोबारा विचार करना चाहते थे, लेकिन वहीं सलमान को फिल्म की स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा था और वो जल्द से जल्द इस फिल्म को फ्लोर पे लाना चाहते थे। फिलहाल तो पिछले 2 सालों में सलमान की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई और दोनों ही फ्लॉप रही हैं, जिनमें राधे और अंतिम शामिल है। इस वजह से साजिद को सलमान के इस नए प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं है। सलमान ने साजिद से कहा कि इस फिल्म को लेकर जैसी प्लानिंग की गई है वैसी ही इसे बनाना चाहिए। साथ ही सलमान ने साजिद को ये भी समझाया कि पिछली जो फिल्में फ्लॉप हुई हैं उनका असर कभी ईद कभी दिवाली पर नहीं पड़ेगा। लेकिन साजिद नाडेवाला को सलमान खान की बात पर भरोसा न हुआ और उन्होंने इस फिल्म पर पैसे लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सलमान ने फैसला लिया कि वो खुद इस फिल्म पर पैसा लगाएंगे। इन्हीं सब बातों के चलते अब सलमान खान और साजिद नाडेवाला की 30 साल पुरानी दोस्ती में दरार आ चुकी है। फिलहाल इस बात पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।